हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे गलत गलत परसेप्शन चल रहे हैं, गलत गलत थॉट चल रही हैं। किस सब्जेक्ट को लेके कितना क्वेश्चन आता है, हमें किस सब्जेक्ट पे प्रायोरिटी के साथ फोकस करना चाहिए। आप किसी भी ईयर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 2024, 25 या 26, आप किसी भी ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिस चीज के लिए आप फाइट करने जा रहे हो उसके प्रॉपर एक्चुअल पैटर्न के बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि यहां पे ऐसे ऐसे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, गलत तरीके से प्रेडिक्ट करके दिखाई जाएंगी कि जिससे आपका आधा से ज्यादा मोरल ही डाउन हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इसको एक्चुअल फैक्ट के साथ देखिएगा, और इसी बेसिस पे मैं आपसे आगे भी इसके पूरी सीरीज को रेडी करूंगा। अब देखिए जीपैट 2023, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन क्या है कि सर लास्ट ईयर तक जीपैट जो था वो एनटीए ने कंडक्ट कराया था, इस बार का कंडक्टिंग बॉडी एनबीएमएस है, तो सर क्या इससे हमारा पेपर बदल जाएगा? वो अलग थी, ये अलग है, ये अलग तरीके से कंडक्ट करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक चीज समझिएगा, कभी भी कोई भी कंडक्टिंग बॉडी पेपर सेट नहीं करती है। पेपर सेट हमारे फार्मेसी के जो टॉप मोस्ट रेपुटेटेड प्रोफेसर्स हैं वही करते हैं, तो वो पहले भी वही थे, वो अब भी वही होंगे। पैटर्न ऑफिशियली कोई बदलाव हुआ नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा चेंज आपको क्वेश्चन वाइज देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर लास्ट ईयर का आप प्रॉपर इस एनालिसिस को समझोगे मेरे साथ, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। सो मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। अच्छा, लास्ट ईयर की बात करूंगा तो लास्ट ईयर जो एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराया था वो दो शिफ्ट में कराया था, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा थे, एनटीए के पास जो भी रिसोर्सेज थे वो कम थे, और उन्होंने पेपर को दो शिफ्ट में कंडक्ट कराया था। लेकिन अब अगर मैं बात करूंगा जीपैट 2024 की बात, तो ये हमारा वन शिफ्ट में ही होगा, तो कोई ऐसा डिफरेंट नहीं आने वाला है। अब जरा देखिए, जो एनटीए का ऑफिशियल पैटर्न था, मैं ये ऑफिशियल की बात कर रहा हूं, एनटीए का जो ऑफिशियल पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन वेटेज को कैसे डिवाइड किया था, फार्मास्यूटिक्स एलाइड सब्जेक्ट, फार्माकोलॉजी एलाइड सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट, फार्माकोग्नोसी एलाइड सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स की बात, और इनको नंबर वाइज डिवाइड किया गया था फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38 क्वेश्चन। ये तो आपको पता है मार्क्स आएंगे 152, फार्मास्यूटिक्स एलाइड सब्जेक्ट 38 मार्क्स होंगे 152, फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट 10 क्वेश्चन मार्क्स होंगे 40, फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट 28 क्वेश्चन और मार्क्स होंगे 112, और अदर से हमारे 11 क्वेश्चन मार्क्स होंगे 44, सो टोटल 125 क्वेश्चन 500 मार्क्स का। ये हमारा ऑफिशियल पेपर का पैटर्न पहले भी था और अब भी है, एनबीएमएस ने भी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है। अब एक मिनट, ये तो ऑफिशियल पैटर्न था, तो क्या एक्चुअली ये फॉलो किया गया? ये एक्चुअली फॉलो किया गया ये समझना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया गया। ऑफिशियली होने का मतलब स्ट्रिक्ट हो जाना नहीं होता है, थोड़ा बहुत वहां पे रिलायबिलिटी होती है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जरा अगर आप क्वेश्चन देखोगे फ्रॉम द ऑल द सब्जेक्ट्स इन जीपैट 2023 कंडक्टेड इनटू द टू शिफ्ट, अब वहां पे देखो क्या देखने को मिला। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री शुरुआत करते हैं, हमने क्या बोला ऑफिशियली कितने क्वेश्चन आने थे यहां से, 38 क्वेश्चन, लेकिन आए कितने फर्स्ट शिफ्ट में 35। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करके चल रहा हूं, फार्मास्यूटिक से 41 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चन जो ऑफिशियली था, फार्माकोलॉजी से 32 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट से 7 क्वेश्चन, सो टोटल मेरे बने 125। अब इसी के अकॉर्डिंग जरा शिफ्ट टू का भी देखो, शिफ्ट टू में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 37 और फार्मास्यूटिक्स से 35, फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट से 11, फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से 32 और अदर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आए, तो ये हमारा प्रैक्टिकली देखने को मिला। अब अगर मैं आपसे यहां पे इंपॉर्टेंटली बात करूं, सर सारे सब्जेक्ट क्या इक्वली इंपॉर्टेंट देना जरूरी है? नहीं, अभी इसको हम सब्जेक्ट वाइज फ्रेगमेंटेशन करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर मुझे प्रॉपर एनालिसिस करनी है जीपैट 2023 के पेपर को, तो मैं दोनों शिफ्ट को लेके चलने वाला हूं और एक एक सब्जेक्ट को और एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, ऑफिशियली कितना था 28 क्वेश्चन, पूछे कितने गए 32। यहां पे लेकिन मैं सिर्फ फार्माकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं,
फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट दोनों, एलाइड बोले तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी है, पैथोफिजियोलॉजी भी है, तब जाके मेरा पूरा ये फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट बनता है। अब पहले अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन ये भी रहता है ना कि सर फार्माकोलॉजी का कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत डाइवर्सिफिकेशन मत किया करो, क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर आपको दो शिफ्ट का पेपर दिखा रहा हूं तो आपको मे भी देखने को मिल सकता है कि एक शिफ्ट में एक टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी में उसी टॉपिक से नेक्स्ट शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो किसी को लाइटली मत लीजिएगा। अब देखिए जनरल फार्माकोलॉजी जो मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा बेस इसी पे चलता है, तो फार्माकोलॉजी से हमारे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में 3 और सेकेंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आए। सर यहां 3 है यहां 1 है, इसको देख के चलोगे इंपॉर्टेंट हो गया, इसको देख के चलोगे कम इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन ऐसा मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितना छोटा सा पार्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखो फर्स्ट शिफ्ट में तो 1 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आ गए, तो हम इसको लाइटली ले सकते हैं क्या? ऑटोक्वाइट से 1 और 2 क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी से लास्ट ईयर नहीं आया तो सर क्या रेस्पिरेटरी पढ़ना छोड़ दे? क्यों भाई, अस्थमा है, कफ है ना, इनको एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं, ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करेंगे हॉर्मोन्स, फर्स्ट शिफ्ट में 1 और सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ गए, सीएनएस से लास्ट ईयर, पीएनएस से लास्ट ईयर आया ही नहीं, सीएनएस से फर्स्ट शिफ्ट में 4 और सेकंड शिफ्ट में 1 आया। कार्डियोवैस्कुलर में देखो 4 फर्स्ट शिफ्ट में और 2 सेकंड शिफ्ट में, तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आप इसको बैलेंस करना जरूरी समझिएगा। किडनी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सर मत पढ़े, बिना किडनी के आप कैसे हाइपरटेंशन वगैरह पढ़ सकते हो? तो सब चीजें जुड़ी हैं, और अगर आपको लॉजिक लगाना है फार्माकोलॉजी में, मैंने इसलिए बोलता हूं लॉजिकल बनिए, और अगर करना है लॉजिकली वर्क तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ब्लड की बात करोगे फर्स्ट शिफ्ट 2 एंड सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ गए, जीआईटी से 1 क्वेश्चन, अब एंटीमाइक्रोबियल से दोनों शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, कैंसर से फर्स्ट शिफ्ट में 1 और सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में मिसलेनियस यानी ऑटो इम्यून की बात करूंगा, वैक्सीन सीरा की बात करूंगा, तो 3 क्वेश्चन आ गए, सेकंड शिफ्ट में नहीं आए। लेकिन ओवरऑल दोनों शिफ्ट में फार्माकोलॉजी इंडिविजुअली से 26 क्वेश्चन आए, और हम टोटल कितने बात कर रहे थे फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से, 32, यानी 6 क्वेश्चन कहां से आए? वो हमारे एचएपी और पैथो से आए। कैसे? देखो फर्स्ट शिफ्ट में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 5 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में पैथो से 1 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, तो इधर 6 इधर 6, तो टोटल हम बात करेंगे तो हमारे कितने हुए 32 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में देखने को मिले या नहीं। इसलिए फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट था, है, रहेगा किसी भी एग्जामिनेशन की बात करो, तो लाइटली नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आप इमेजिन करो अगर अराउंड 30-32 क्वेश्चन आप बात कर रहे हो और उसमें से आप 25 क्वेश्चन भी अगर आपने सही मार दिए 100 मार्क्स कहीं नहीं गए, और इतना तो बनता है, इतना तो पढ़ सकते हैं हम आराम से और करके दिखा रहे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स, तो ये 100 क्वेश्चंस मेरे ऊपर 100 मार्क्स रहेगा मेरे ऊपर और डेफिनेटली आप करके दिखाओगे। नॉट ओनली दिस, अब चलो थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम पे स्टूडेंट्स के मन में आता है सर मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, नहीं इसको कुछ ऐसा समझो इंपॉर्टेंट कौन सा है। अब अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जरा देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट और 12 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट, और यही नहीं जरा टॉपिक भी देखिएगा। आपसे बार बार बोला जाता है ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर तैयार करो, क्यों? 6 से 7 क्वेश्चन केवल जीओसी से देखने को मिले दोनों शिफ्ट की बात करोगे, आइसोमेरिज्म हेट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से, नेम रिएक्शन से, और मिसलेनियस पेरिसाइक्लिक एंड पॉली एरोमेटिक रिंग से आपके 3 क्वेश्चन आ गए। सो दोनों में 15 और 12 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाइज। अब सर इंपॉर्टेंट तो हो गई ना, क्योंकि आधा लगभग ये क्वेश्चन ये कवर कर रही है, अब आधा कहां गया? वो सब मिला के गया। देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करोगे फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कहां से आपके कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ANS से 1 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था, CNS से 2 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था, हार्मोन से 2 और 1, ऑटोकॉयड से 1, ब्लड से 1, एंटीमाइक्रोबियल से 2 और एंटी कैंसर से 1। मैं ये नहीं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है ये इससे आप जरूर समझ पाओगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की,
टू क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में और फोर क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, कहां कहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सब में से एक एक क्वेश्चन आए। हाँ, इनको जरूर एक बार टचअप जरूर करिएगा। अब एनालिसिस के लिए, एनालिसिस में इक्वली 8 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में देखने को मिला। तो अगर मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक कवर करना चाहूंगा तो वो मेरा क्या होगा, ऑर्गेनिक। और क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीपैट के लिए तो इंपॉर्टेंट है लेकिन नाइपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी अच्छी होगी नाइपर की रैंक आपको उतनी अच्छी देखने को मिलेगी। सो इसको इस वजह से भी शुरू से बहुत अच्छे से तैयार करके चलो। बाकी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बाकी वो मुझे कितना टाइम देना है, लेकिन प्रायोरिटी कहां देना है वो जरूर समझ के चलिएगा। अब फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, पहले फार्मास्यूटिक्स तो हम समझते हैं ना कि एक सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज द बंच ऑफ द 7 सब्जेक्ट। और वो 7 सब्जेक्ट्स मेरे कौन कौन से हैं, पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जिससे फर्स्ट शिफ्ट में 16 और सेकंड शिफ्ट में 12 क्वेश्चन आए। देन फिजिकल फार्मेसी, 10 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 6 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट। तो दोनों मेरे इंपॉर्टेंट हो गए या नहीं, ऑब्वियसली। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस दोनों में 5-5 क्वेश्चन। अब सोचिए कितना छोटा सा जुरिस्प्रूडेंस है। अब छोटा मतलब इसलिए बोलता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो आपको क्लासेस में बता के मैं पढ़ाता हूं और वहां से ही क्वेश्चन मिलता है, 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। बायोफार्मास्यूटिक्स 4-5 क्वेश्चन, डिस्पेंसिंग से 3-1 क्वेश्चन, कॉस्मेटिक से लास्ट ईयर नहीं आया, बट ओवरऑल 41 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 35 क्वेश्चन इन सेकेंड शिफ्ट आपको देखने को मिला। ये तो रहा सब्जेक्ट वाइज। अब थोड़ा सा मैं इसमें और डीप में चलूंगा कि फार्मास्यूटिक्स के किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। आपने देखा होगा मेरे साथ, लेकिन इसको और अच्छे से समझिएगा भाई। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, सर ये आप प्रूफ कैसे दोगे, आपके मन में ये भी आ सकता है सर ये कैसे प्रूफ है। आपको मैं बहुत जल्द 23 के पूरे क्वेश्चंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे विद एक्चुअल पीडीएफ ऑफ द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन। आपको और ज्यादा इससे क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये डेटा कहां से आया है। वर्बली नहीं आया है, मैंने अपने मन से नहीं डाल दिया है, दिस इज ऑल डिपेंड ऑन द जीडीसी क्लासेस, नहीं ये ऑफिशियली की बात चल रही है और प्रैक्टिकली उससे हमें समझना जरूरी है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, प्री फॉर्मुलेशन, सॉल्यूशन, पाउडर, इमल्शन, सेमी सॉलिड, टैबलेट, कैप्सूल, स्टरलाइजेशन, स्टराइल, एरोसोल, पैकेजिंग, क्या एक भी टॉपिक आपको छोड़ने वाला है यहां पे? क्योंकि क्वेश्चन कहीं से 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, लाइटली नहीं ले सकते। फिजिकल फार्मेसी से हमने बोला 10 क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 6 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट, सारे टॉपिक से आपको मिले। कोर्स डिस्पर्जन तक से 2 क्वेश्चन आ गए, कॉम्प्लेक्सेशन से 2 क्वेश्चन, स्टेट ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन, और यही अगर मैं आपसे बात करूं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 3 and 6 क्वेश्चन, किसी टॉपिक में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, किसी टॉपिक से सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सभी है ना। अब यही नहीं, ये सारे नहीं हुए, अभी और सुनो। अगर फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत ही मेरा बायोफार्मास्यूटिक्स आता है, जुरिस्प्रूडेंस, जहां से 5 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में, और कहां से, डीएनसी एक्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन, फार्मेसी एक्ट से 1-1 क्वेश्चन, देन हमारा आईसीएच गाइडलाइंस और डीपीसीओ। ओके, बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करूंगा 4-5 क्वेश्चन, कंपार्टमेंट, बायोअवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक, इनसे हमें 1 से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला। एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी की बात करोगे फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस आपको ये पूरा पेपर भी मिलेगा जो मैं कराऊंगा। ये हुआ फार्मास्यूटिक्स। और लास्टली हमारा कौन सा आता है, फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट। तो फार्माकोग्नोसी तो केवल एक ही है और इससे कितने क्वेश्चन आए, 10 and 11 क्वेश्चन। टॉपिक देखिएगा, इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, एल्कलॉइड से, ग्लाइकोसाइड से, वोलेटाइल ऑयल से, 3 ही तो हमारे मेजर हैं। अब आप यहीं से देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आ गए। देन बेसिक फ्रॉम द आयुर्वेदिक सॉल्यूशन, रेजिन एंड टैनिन आ जाता है। लेकिन आप पहले इंट्रोडक्शन, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड और वोलेटाइल ऑयल को बहुत अच्छे से तैयार करो, क्योंकि वहां से आपको टोटल 6 से 7 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। नाउ अब चलते हैं माइनर की तरफ। अब माइनर की अगर मैं बात करूंगा तो आपको सबसे पहले क्या याद आएगा, हमारा बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी आपको यहां पे याद आ जाएगा। चलो कुछ उनको लेके चलते हैं। देखो माइक्रोबायोलॉजी में 4-5 क्वेश्चन, फ्रॉम इंट्रोडक्शन से 1, बैक्टीरिया से 2 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आ गए, स्टैनिंग से, इम्यूनोलॉजी से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से, माइक्रोबायोलॉजी। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करोगे दोनों शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन आ गए। अब इतना भी टफ नहीं है कि इसको आंसर नहीं कर सकते, इतने इजी क्वेश्चन थे।
कार्बोहाइड्रेट से तीन दो क्वेश्चन, विटामिन से आगे, एंजाइम से आगे, लिपिड न्यूक्लिकेस से, अगर यही साथ में बात करूंगा बायोटेक्नोलॉजी से एक और तीन क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गया, और अगर मैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की बात करूंगा तो मुझे यहां पे दो क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में देखने को मिला, इंट्रोडक्शन एंड सेल्स एंड मार्केटिंग से। अब सर इसको मैं अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पे डाल दूं तो शायद गड़बड़ है ना, तो इसलिए पहले मैंने ये प्रॉपर एनालिसिस आपको इसीलिए कराया ताकि अब जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं अगले पार्ट में तो आपको ये आइडिया लगे कि हाँ इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आएंगे, ये भी बता दूं क्योंकि हमारे कंडक्टिंग बॉडी बदली है, पेपर सेटर नहीं बदले हैं, वो वही रहेंगे। सो इसलिए प्लीज सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ चलिए, इधर उधर से बहुत ज्यादा भटकने की कोशिश मत करिए। सो ये रहा आज का मेरा आपके साथ प्रॉपर सजेस्टिव वीडियो, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में विद द प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, और बस तैयारी करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, और हाँ याद रखिएगा सही जानकारी के साथ आप किसी भी एग्जाम को प्रॉपरली फाइट कर सकते हैं, और जीडीसी है तो मुमकिन है। थैंक यू एवरीवन।